नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल 28 सितंबर को पालघर के वसई तालुका अंतर्गत नायगांव जूचंद्र क्षेत्र में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना घटित हुई, जहां नाइट्रोजन सिलेंडर के फटने से चार लोगों की मौत हो गई और 7 से 8 लोग जख्मी हो गए। उस मामले में वहां उस समय जब नाइट्रोजन सिलेंडर फटा तो थोड़ी आगजनी हुई, बाद में आग पर काबू पा लिया गया, और लेकिन तब तक 4 लोग काल के गास में समा चुके थे और बाकी के 7-8 लोग जो जख्मी हैं उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में हादसे में संदीप कुमार, संतोष मिश्रा, अजय दत्ताराम बदर और अश्विन भाई रसिक, इन 4 जनों की मौत हुई है। वहीं 7 से 8 लोग को घायल बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी पर पालघर जिले के हाल ही में नियुक्त हुए पालघर के पालक मंत्री रविंद्र चौहान ने क्षेत्र का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी, उनका इलाज की पूरी खबर ली कि किस तरह से उनका इलाज चल रहा है और क्या है। इस मामले में एक पॉलिटिकल विवाद भी सामने आया। इस मामले के बाद में भाजपा की स्थानीय इकाई ने यहाँ के विधायक हितेंद्र ठाकुर को निशाना बनाते हुए एक पोस्ट वायरल किया, जिसमें उन्होंने ये सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यहाँ के स्थानीय विधायकों ने इन मृतकों और घायलों की कुशलक्षेम तक नहीं पूछी और जगह का दौरा तक नहीं किया, इतना बड़ा हादसा हुआ जबकि स्थानीय विधायक वहां नहीं पहुंचे। ये कहीं ना कहीं अपने आप में निषेध वाला मामला है। इस बात को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने बकायदा सोशल मीडिया पर एक प्रेस नोट जारी तक किया, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल विवाद भी हुआ, लेकिन हकीकत भी यही है कि वहां उस समय इस घटना के बाद में स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे थे और यही वजह है कि विरोधियों को ये मात उठाने का एक मौका मिला। लेकिन ओवरऑल ये मामला काफी दर्दनाक कहा जाएगा, जिसमें 4 लोगों की जान गई है और बाकी के 7-8 लोग घायल है। तो देखिए आगे वीडियो में इस मामले से जुड़े हुए वीडियो और पालघर के पालक मंत्री रविंद्र चौहान का क्या कुछ कहना है, सुनिए आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। पूरा मामला है, आप यहाँ पे आज आए हैं, जो 3 लोगों की मौत हो गई है और यहाँ के जो कंपनियाँ हैं वहाँ पे सेफ्टी का ये नहीं करते, पालन नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? ये आज जो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत खेदजनक है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स पालना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी ट्रेनिंग जो होती है कंपनीज़ में, जैसे प्रोडक्शन करने की जैसे ट्रेनिंग होती है वैसे ही सेफ्टी नॉर्म्स पालने के लिए भी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कल में जो ये जो ऐसी जो घर दुर्घटना है अगर हमको कम करनी है तो ये सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में लोगों में जन जागृति करना, कंपनियों में जन जागृति करना बहुत ज़रूरी है और हम सरकार की तरफ से इसका एक जो कार्यक्रम जिसे कहते हैं वो कार्यक्रम लेके हम इसका पूरा जो इसके बाद में नहीं होना चाहिए इसके लिए जो प्रयत्न करना चाहिए करेंगे। सर, यहाँ के जो मृतक हैं उनके परिजनों को कुछ मुआवजा दिया जाएगा? मैंने अभी यहाँ पर आने के बाद में जो मुझे पता चला है कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स जो है डायरेक्टर्स लोगों ने इस कंपनी के तरफ से जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है उन सभी लोगों को कुछ अनुग्रह अनुदान देने के बारे में कहा है। सरकार भी इसके बारे में जो नॉर्म्स है नॉर्म्स के हिसाब से जो मदद करनी चाहिए मदद करेगी, जिनके उपचार करने उपचार भी करेगी, ऐसे इसके माध्यम से जो करना है जो कामगारों का जो उपचार के लिए जो जिनके पास कार्ड है तो वो तो उसके अंदर ऑलरेडी उसको उसका लाभ मिलेगा ही, लेकिन जिनको लाभ नहीं मिलने वाला है उसके लिए सरकार भी जो मदद करनी है करेगी। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।